और जैसे मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, और भाई हम लोग भी पूछते हैं, एक एक जगह पर अभियान चलेगा, और जैसे मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, और भाई हम लोग भी पूछते हैं, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। नीतीश कुमार की मांग को लेकर विशेष राज्य की दर्जा को लेकर चिराग पासवान ने भी समर्थन किया। चिराग पासवान का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, लेकिन उनके नीति का विरोध करते हुए चिराग पासवान नजर आए। सुनिए इस बयान को। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर आज भी आपको विशेष राज्य के दर्जे पे मुहिम चलानी पड़े तो ये आपकी विफल नीतियों को दर्शाता है। क्यों नहीं 19 सालों में आपने मेरे बिहार प्रदेश को आपने इतना सक्षम बनाया कि आज बिना किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए हम लोग आगे बिहार को बढ़ा सके। क्यों नहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए काम किया गया? मुझे एक योजना मेरे मुख्यमंत्री की एक नीति बता दीजिए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ। क्या किसानों के लिए इन्होंने कोई ऐसे यूनिट्स लगाए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ? क्या टूरिज्म के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या आईटी सेक्टर को ला करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इन्होंने बिहार के रेवेन्यू सेक्टर को बढ़ाने की बात की? नहीं। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो आज के आज से 100 साल के बाद भी आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। और ना सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, पूरे गठबंधन को आनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का जब मैं जिक्र करता हूं तो मात्र 19 साल की मैं बात करता हूं, पर जब मैं गठबंधन की बात करता हूं तो मैं 34 साल की बात करता हूं। 34 साल के बाद भी आज आपको विशेष राज्य के दर्जे की आपको मांग करनी पड़ रही है, तो क्या ये सरकार की विफल नीतियों को नहीं दर्शाता कि 34 साल में भी आप हमारे बिहार की इकोनॉमी को आप इतना नहीं बढ़ा पाए कि आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने? आज भी आपको केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। और ये भी मैं बता दूं, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत इनको बिहार के लिए नहीं है, इनको इसलिए है ताकि अपने भ्रष्टाचार को और बढ़ा सके। चुनाव आ रहे हैं भैया, इनको और पैसा चाहिए चुनाव में खर्च करने को, तो इनके पॉकेट में और पैसा आ रहा है। चले जाइए ना जाके भाई, डालिए पीआईएल, लीजिए जानकारी कि भाई जितने भी केंद्र सरकार की योजना है जिसका पैसा आया, कितना पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है और कितनी राशि वापस लौटानी पड़ दी जाती है। जो लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे में धान नहीं करते हैं, वो विशेष राज्य के दर्जे के पैसे का ही लोग इस्तेमाल करेंगे। और 34 साल के बाद आज क्यों भैया मेरे मुख्यमंत्री को याद आ रही है कि हम यात्रा निकालेंगे? क्या कर रहे थे 19 साल से? और जब ये पहली बार जब ये बने थे तो उस वक्त बोली इन्होंने यात्रा निकाली? उस वक्त चले मान लिया केंद्र में यूपीए की सरकार थी, पर बीच में एक वो नमामी तो आया था जब डबल इंजन की सरकार थी, और जैसे मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, और भाई हम लोग भी खुश थे कि भाई 27 साल के बाद केंद्र में कोई डबल इंजन की सरकार बनी, क्योंकि बिहार की विडंबना तो जरूर रही है कि केंद्र में कोई और सरकार, बिहार में कोई और सरकार। पर उस वक्त 27 साल के बाद 2017 में केंद्र की तर्ज पर बिहार में सरकार बनी थी, उस वक्त एक बार बता दीजिए मेरे मुख्यमंत्री का बयान 2017 से कब ये अलग हुए, 2021 में अलग हुए, 2022 तक एक बार बता दीजिए। सारे उनके इंटरव्यूज निकालिए, सारे उनके बयान निकालिए और एक बार बता दीजिए मेरे मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की हो। जिस मंच पर जाना है मांग करने के लिए, नीति आयोग की बैठक में तो जाते नहीं, प्रधानमंत्री से इनको बैर है, वहां पर जाकर ये बात नहीं करेंगे। और आज इनको विशेष राज्य के दर्जे की किसको मूर्ख बना रहे? क्या ये समझते हैं कि हम सब मूर्ख बैठे हैं यहाँ पे? बिहारी मूर्ख बैठे हैं। चुनाव आ रहे तो आप यात्रा निकालिएगा, देखिएगा कितना विरोध होगा उस यात्रा में। और मैं चाहूंगा कि आप सब निकालिए 2017 से 2022 तक के तमाम इनके इंटरव्यू और एक जगह दिखाने मेरे मुख्यमंत्री ने उस वक्त बोला विशेष राज्य के दर्जे के बारे में। सिर्फ इनको राजनीतिक लाभ कैसे उठाना है, दिन भर इनकी बुद्धि उस दिशा में काम करती है। सही में इनको चाहिए होता उसमें जाके लाभ ले लेते, या सही में लाभ चाहिए था तो भाई 2005 से ही लगते, यूपीए सरकार पे दबाव बनाते। पर जिन्होंने इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया उनके साथ जाके गठबंधन करेंगे और इंडी गठबंधन का एकदम मगवा बनने की तैयारी करेंगे। तो विशेष राज्य का दर्जा भैया कुछ नहीं है।